ना वो कल आ रहा है। मैं तुझे बताती हूँ, कल राणा आएगा ना तो सबके सामने मैं उससे पूछूंगी कि उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। तुम अच्छा आई नो ना प्लीज, आपको रणविजय से जो सवाल पूछना है पूछिए, पर मुझे नहीं लगता कि उससे पूछने के लिए मेरे पास कोई सवाल बचा। घर का बेटा तो वापस आ जाएगा, बस मेरा पति नहीं आएगा। अरे अजी मुझे नहीं आता, सीरियसली डांस नहीं आता। ट्राई तो कीजिए, होगा, परेशान मत करो इनको। ठीक है तो कह रही है बैठो, क्यों परेशान करे हो जीजा जी को। आज तुझे झूमते हुए देखकर पुरानी बाजू याद आ गई। नाचने के नाम पे चार कदम दूर भागने वाला मिली आज कदम से कदम मिलाकर नाचना चाहता है, वो भी मेरे साथ गायक पर। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के शो माटी से बंधी डोर की दिलचस्प एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत होती है जया से, जहां वो पूरे परिवार के साथ झुमरी पाटिल जाने के लिए फैसला करती है। जैसे ही जया और उनका परिवार बस में चढ़ता है, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेजू भी बस में चढ़ने वाली है। लेकिन भाई तभी रणविजय की नजर वेजू पे पड़ती है। वो बस के पास पहुंचता ही है, लेकिन अरे क्या हुआ, वे बस निकल जाती है और उनकी बातचीत नहीं हो पाती। वे जो सोचने लगती है अब उनकी राह अलग हो चुकी है, वह तो तय कर लेती है कि बस वो और रणविजय कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ये निर्णय वेजू के लिए आसान नहीं होता। वहीं रणविजय और जया के बीच भी तकरार होती है, दोनों में बात बात पर बहस हो जाती है। ये देखना दिलचस्प होता है कि ये रिश्ता थोड़ी तकरार के बावजूद भी आगे कैसे बढ़ेगा।